हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूँ पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज द ट्वेंटी सेवेंथ लेक्चर ये मेरा ट्वेंटी सेवेंथ लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट इनकम टैक्स एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये तो इस टाइम हम लोग यही चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं चार लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड दिस इज माय फिफ्थ लेक्चर वीडियो ऑन दिस चैप्टर ये मेरा पांचवा लेक्चर वीडियो है इस चैप्टर पे तो चलिए एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि जो पिछले चार लेक्चर वीडियोज थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है तो पिछले चार लेक्चर वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कि सैलरी होती क्या है एज पर इनकम टैक्स एक्ट हमने डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम देखा उनके वो कौन कौन से सेक्शंस में कवर होते हैं वो देखा सैलरी के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए टैक्सेबल इनकम कैसे कंप्यूट होती है ये भी देखा और फिर अलाउंसेज अलाउंसेस पे मैंने तीन लेक्चर वीडियो में अलाउंसेस का पूरा चैप्टर कवर किया है जिसमें एच आर ए पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया जिसमें नुमेरिकल भी कराए हैं एच आर ए पर और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ज़रूर इसको करके जाइएगा और फिर मैंने अलाउंसेस केस में आपको बताया था कि अलाउंसेस को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है एक है अलाउंसेस जो क्या है टैक्सेबल है दूसरी कैटेगरी आती है वो जो कंप्लीटली एक्जेड है तीसरी कैटेगरी आती है वो जो एग्जेम्पटेड है बट अप टू स्पेसिफिक लिमिट ठीक है तो तीन कैटेगरी में हमने अलाउंसेस को डिवाइड करके बहुत डिटेल में पढ़ा है एंड आज हम इसके आगे डिस्कस करने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी का वो पार्ट जहां पर Uh, जब कोई एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन से जाता है ठीक है भले वो रिटायर होकर जाए या ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहा है या उसे निकाला जा रहा है रिट्रेंच किया जा रहा है या सपोज करिए एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है ठीक है तो किसी भी इन केसेज में इंप्लॉई गेट सम स्पेशल पेमेंट फ्रॉम द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ स्पेशल पेमेंट मिलती है एम्प्लॉयर से ठीक है और ये स्पेशल पेमेंट क्या क्या हो सकती है ये हो सकता है ग्रेचुटी ये हो सकता है पेंशन के फॉर्म में कॉमिटेटेड वैल्यू ऑफ पेंशन या अर्न लीव सैलरी हो सकती है या रिट्रेंचमेंट के बदले में कंपनसेशन मिल सकता है या वॉलेंट्री रिटायरमेंट पे कंपनसेशन या प्रोविडेंट फंड तो ये कुछ स्पेशल पेमेंट्स हैं जो इम्प्लॉय को मिलती है वेन एन एम्प्लॉय लीव द ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाता है ठीक है या रिटायर हो या डेथ हो या रिट्रेंच हो तो ये सब कुछ स्पेशल पेमेंट होती है तो अब हमें यही जो छह टॉपिक हैं इन्हें एक एक करके डिटेल में पढ़ना है ठीक है हमें बेसिकली ये देखना है कि ये जो पेमेंट मिलेगी जैसे ग्रैचुटी या अर्न लीव या पेंशन या ये जो मैं अमाउंट्स ये मिलेंगे स्पेशल पेमेंट ये क्या टैक्सेबल होते हैं कंप्लीटली या टोटली फ्री होते हैं या अगर ये टैक्सेबल होते हैं तो कितनी लिमिट तक टैक्सेबल होते हैं ठीक है तो यही सब हम डिटेल में आज के लेक्चर में पढ़ेंगे जिसमें मैं आज के लेक्चर में डिस्कस करूंगी अबाउट ग्रेचुटी आज के लेक्चर में हम ग्रैचुटी के बारे में पढ़ेंगे और फिर आने वाले लेक्चर वीडियो में जो नेक्स्ट फाइव ये जो सब टॉपिक है इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे ठीक है तो चलिए फिर आज का लेक्चर वीडियो हम स्टार्ट करते हैं ग्रेचुअटी तो सबसे पहले तो ये जो वर्ड है ग्रेचुअटी इसका मतलब पता होना चाहिए तो ग्रेचुअटी बेसिकली क्या होता है एम्प्लॉयर ये एक स्पेशल अमाउंट होता है जो एम्प्लॉयर पे करता है किसको एम्प्लॉय को क्यों क्योंकि एम्प्लॉय ने कई साल कई पिछले सालों तक अच्छी सर्विस प्रोवाइड की है ऑर्गेनाइजेशन को ठीक है तो इन ऑर्डर टू तो अप्रिशिएट द पांच सर्विस ऑफ द एम्प्लॉय एम्प्लॉय की जो ने जो इतने साल लॉयल रहा है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं गया ठीक है पास्ट कई सालों से ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर रहा है अच्छा काम किया है तो उसके बदले में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक कुछ स्पेशल पेमेंट्स कर, करता है जिसको कहा जाता है ग्रेचुटी ठीक है जनरली ये जो ग्रेजुअटी होती है पांच साल से ऊपर अगर वो इम्प्लॉई एक ऑर्गेनाइजेशन में पांच साल से ऊपर वर्क करता है तो उसका फिर ग्रेचुटी अकाउंट होता है फिर उसमें वो अमाउंट क्रेडिट होता जाता है एम्प्लॉयर उसको देता है ग्रेचुअटी अमाउंट ठीक है तो वही चीज यहाँ पे लिखी है एच में आप ग्रेचुअटी और डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है तो यहाँ पे ये इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जान लीजिए कि पास सर्विस इंप्लॉय ने इतने सालों तक ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस की है तो इसलिए उसे अप्रिशिएट करने के पर्पज से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है ग्रेचुअटी ठीक है अब ये ग्रेचुटी कौन रिसीव करता है देखिए ये ग्रेचुटी या तो एम्प्लॉय को ख़ुद से मिल मतलब इम्प्लॉय रिसीव करता है एट द टाइम ऑफ इज रिटायरमेंट जब इम्प्लॉय रिटायर होता है तब ग्रेचुअटी या तो उसको मिलती है या इनकेस सपोज करिए इम्प्लॉय की अगर डेथ हो जाए तो जो इंप्लॉय का जो लीगल हेयर होता है उसे ग्रेचुटी मिलती है ठीक है अब अगर इंप्लॉई को ग्रेजुएटी मिलती है तो वो टैक्सेबल होती है अंडर द हेड किसमें सैलरी के हेड में वो टैक्सेबल होती है लेकिन अगर ये ग्रेजुएटी इंप्लॉई के लीगल हेयर को मिल रही है ठीक है सपोज्लॉ की डेथ हो गई तो लीगल हेयर को अगर ग्रेजुएटी मिल रही है तो वो टैक्सेबल होती है किसमें अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ठीक अब ग्रेचुअटी इज एक्जेम्प्टेड ये देखिए मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी ये ग्रेजुअली नहीं होगा ग्रेचुटी तो ग्रेचुएटी इज एक्जेम्प्टेड अप टू सर्टन लिमिट अब ये जो ग्रेचुअटी है ये एक्जेम्प्टेड होती है ठीक है टैक्स से एक्जेंटेड होती है बट अप टू सर्टन लिमिट अंडर सेक्शन टेन टेन ठीक है अंडर सेक्शन टेन टेन ये एक सर्टन लिमिट तक एग्जेप्टेड होती है खैर अभी मैं सब एक डिटेल में आपको आगे बताऊंगी ठीक है अब ये एग्जाम्पन कितना होगा क्या फुल्ली टैक्सेबल है या फुल्ली एग्जेप्टेड है या कितने लिमिट तक एग्जेप्टेड है इन सबके लिए क्या किया है एम्प्लॉय को हमने सबसे पहले तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है और फिर हम समझेंगे कि ग्रेचुटी फुल्ली एग्जेमटेड है कि कितने लिमिट तक एग्जेप्टेड है ठीक है तो हमने ये देखिए एम्प्लॉय को डिवाइड किया है तीन कैटेगरी में ठीक अब ये जो स्लाइड है ना ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है और मैंने बड़ी मेहनत से इस स्लाइड को बनाया है तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए आप वीडियो को अभी पॉज करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि इस स्लाइड को बनाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी इतने सारे कलर्स यूज़ करने पड़े तो चलिए शुरू करते हैं देखिए डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी यानी इंप्लॉय की अगर डेथ हो जाए या रिटायरमेंट पर जो ग्रेचुटी मिलती है ठीक है तो वो किस तरीके से उसका टैक्स ट्रीटमेंट होता है ये अब हम समझने जा रहे हैं तो पहला क्या है गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इसीलिए बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब एस्पेरेंट हैं क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जिसमें एक बेनिफिट जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूं कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो जो अमाउंट ऑफ ग्रेचुअटी है दैट इज फुल्ली एग्जेम्ड फ्रॉम इनकम टैक्स ठीक है इसीलिए इतने बच्चे इतने सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ठीक है तो जो ग्रेचुअटी का अमाउंट है दैट इज फुल्ली एग्जेम्प फ्रॉम इनकम टैक्स ये फुल्ली एग्जेम्ड होता है इनकम टैक्स से ठीक और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ठीक तो है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो फुल्ली एक्जेम है ठीक है कोई टैक्स का चक्कर ही नहीं है तो ये कहानी यहीं पे शुरू हुई और यहीं पे खत्म हो गई तो गवर्नमेंट इंप्लॉयी है तो कुछ करना ही नहीं है क्वेश्चन में अगर आया वैसे वन मार्क के क्वेश्चन में ये सब पूछा जाता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो ग्रेचुअटी में कितना एग्जेप्टेड है क्या है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है देन फुल्ली एग्जेम्टेड जो ग्रेचुअटी का अमाउंट है फुल्ली एग्जेमटेड है तो ये कहानी यहीं से शुरू हुई यहां पे खत्म हो गई अब दूसरी कहानी देखते हैं कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब क्या होगा

ठीक है जब क्या लीजिए एम्प्लॉय कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो वो ग्रेचुअटी एक्ट 1972 में कवर हो रहा है कि नहीं ये उसके पूरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहेगा ठीक है तो अगर वो कवर हो रहा है ग्रेचुअटी पेमेंट ऑफ ग्रेचुअटी एक्ट 1972 इसमें कवर हो रहा है तो ये कंडीशन है जो मैं अभी बताऊंगी और अगर नहीं कवर हो रहा है एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेचुअटी एक्ट में नहीं कवर हो रहा है तो ये कंडीशन है जो मैं अभी आपको बताऊंगी ठीक है तो यानी एम्प्लॉ तीन कैटेगरी में डिवाइड हो गए एक हो गया गवर्नमेंट एम्प्लॉय दूसरा हो गया नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कवर हो रहा है तीसरा हो गया नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो नहीं कवर हो रहा है ठीक तीन कैटेगरी में हमने को डिवाइड कर लिया अब आ जाते हैं अगर employee, employee, अगर नॉन गवर्नमेंट कवर हो रहा है ग्रेचुअटी एक्ट में ठीक है तब उस केस में हम तीन कंडीशन देखते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन कंडीशन देखते हैं और इन तीनों कंडीशन में कुछ अमाउंट निकालते हैं और उसमें जो लीस्ट अमाउंट होता है दैट इज एक्समटेड इसमें से से जो होता होता है वो exempt होता है, है? वो ठीक अब ये तीन amount कौन हैं? सबसे पहला, सब पहला क्या है फिफ्टीन डे सैलरी जितने ईयर ऑफ सर्विस उसने कंप्लीट की है उसमें से पंद्रह दिन की सैलरी ठीक है ये पहला अमाउंट आप कंप्यूट करेंगे दूसरा बीस लाख दिस इज आपूट अमाउंट बीस लाख ठीक है एंड तीसरा ग्रेचुअटी एक्चुअली रिसीव एक्चुअली में उसने कितनी ग्रेचुअटी रिसीव की ठीक है तो ये तीन अमाउंट आप कैलकुलेट करेंगे तीन ये अलग अलग अमाउंट आप कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे इसमें से जो लीस्ट अमाउंट होगा दैट अमाउंट इज एक्ज वो अमाउंट एग्जेम्ट है ठीक है अब उसके बाद एक चीज है कि इसमें आप पंद्रह दिन की सैलरी कैसे कंप्यूट करेंगे ये जो पंद्रह दिन की सैलरी का है कंप्यूट करेंगे कैसे कंप्यूट करेंगे तो इसमें जो आप पंद्रह दिन की सैलरी कंप्यूट करेंगे वो आप कंप्यूट करेंगे जो भी उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है यानी पिछली जो उसने सैलरी ड्रॉन की है वो मल्टीप्लाइड बाय 15 बाई ट्वेंटी ठीक है जो भी उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसको 15 बाई ट्वेंटी करेंगे 15 क्योंकि 15 दिन की सैलरी निकालनी है और 26 क्योंकि चार संडे से 30 दिन में से चार संडे माइनस किए हैं तो इसलिए डिवाइड बाई ट्वेंटी ठीक है तो ये बात खास है जिसे ध्यान रखना है कि पंद्रह दिन की सैलरी कैसे निकालेंगे फिफ्टीन बाई ठीक ये पहली बात का ध्यान रखेंगे दूसरी बात का ध्यान जो इसमें ये रखना है कि सपोज करिए ने ईयर एंड टू मंथ काम किया है ठीक है थर्टी थ्री इयर एंड टू मंथ काम किया तो बताइए इसे कितने नंबर ऑफ ऑफ ईयर सर्विस काउंट करेंगे तो इसे हम इसमें अगला पॉइंट लिखा है कि अगर छह महीने से ज्यादा काम किया है तो उसे वन ईयर काउंट किया जाएगा मतलब समझ रहे हैं अगर फ्रैक्शन में है छह महीने से ज्यादा है तो उसे वन ईयर काउंट किया जाएगा और छह महीने से कम है तो उसे वन ईयर मतलब एक जोड़ दिया जाएगा नहीं तो उसे प्रीवियस ईयर तक ही काउंट करेंगे तो जैसे अगर इम्प्लॉय ने 33 थ्री ईयर टू मंथ काम किया है तो काउंट होगा 33 थ्री ईयर अगर इम्प्लॉय ने 33 थ्री ईयर और नाइन मंथ काम किया है तो इसे कितना काउंट होगा 34 फोर ईयर ठीक ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सैलरी मतलब क्या है सैलरी मतलब है बेसिक पे प्लस डी ए दिस इज सैलरी बेसिक पे प्लस डी ए इन दोनों को सम करके निकलेगी सैलरी ठीक है तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका ध्यान रखना है ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका ध्यान रखना है ये तीन चीजें कैलकुलेट करने में ठीक तो ये हो गया अगर एम्प्लॉई कवर हो रहा है तो अगर इंप्लॉय नहीं कवर हो रहा तो ठीक है तीसरी कैटेगरी इंप्लॉय नहीं ग्रेचुएटी एक्ट में नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुएटी एक्ट में नहीं कवर हो रहा है तो ठीक अब एक बात बता दूं ये देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप बहुत वो लग रहा है लेकिन ये बहुत इजी है देखिए इसमें कंडीशन 20 लाख 20 लाख यहाँ सेम कंडीशन है ये क्या है ग्रेचुअटी एक्चुअली रिसीव ग्रेचुअटी एक्चुअली रिसीव ये सेम कंडीशन है यहाँ पे भी तीन कंडीशन है और जो लीस्ट है वो क्या होगा अमाउंट एग्जेमटेड ठीक है इसमें दो कंडीशन तो एक्जैक्टली exactly सेम है बीस लाख बीस लाख और ग्रेचुअटी एक्चुअली रिसीव ये सेम है बस जो पहली कंडीशन है वो क्या है हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच कम्प्लीटेड ईयर ऑफ सैलरी यहाँ पे पंद्रह दिन की सैलरी निकाल रहे थे ठीक है और पंद्रह दिन की सैलरी कैसे निकाल रहे थे लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाइड बाई फिफ्टीन बाई ट्वेंटी सिक्स ऐसे निकाल रहे थे यहाँ पे हाफ मंथ की सैलरी निकालेंगे लेकिन वो कैसे निकालेंगे एवरेज ऑफ लास्ट टेन मंथ सैलरी ठीक है यहाँ पे जो हाफ मंथ की सैलरी निकाल रहे हैं वो कैसे निकालेंगे एवरेज ऑफ लास्ट टेन मंथ सैलरी पिछले दस महीने की जो सैलरी है उसका एवरेज ले, ले लेंगे ठीक और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो पीरियड ऑफ सर्विस जब कैलकुलेट करेंगे तो फ्रैक्शन को नहीं कंसीडर करेंगे मतलब अगर 33 थ्री इयर नाइन मंथ काउंट काम किया है तो भी ये 33 थ्री इयर है यानी फ्रैक्शन को कंसिडर ही नहीं करेंगे जो फुल ईयर है उन्हें तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां ध्यान रखना है कि सैलरी मतलब क्या है बेसिक प्ले प्लस डी प्लस कमीशन ठीक है तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सैलरी मतलब बेसिक पे डी एंड कमीशन ठीक है तो ये तीन चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है और कंडीशन तो समझ में आ गया ना इसके लिए ये तीन कंडीशन है और अगर नहीं कवर होता है तो ये तीन कंडीशन है जिसमें दो कंडीशन तो एक्जैक्टली exactly सेम है बीस लाख बीस लाख ग्रेचुएटी एक्चुअली रिसीव ग्रेचुएटी एक्चुअली रिसीव और यहाँ पे क्या है पंद्रह दिन की सैलरी ठीक है और यहाँ पे क्या है हाफ मंथ की सैलरी यहाँ पे क्या लेना है एवरेज लास्ट टेन मंथ का ठीक है यहाँ पे क्या लेना है Uh, ये लास्ट ड्रॉन सैलरी का पंद्रह बाई ट्वेंटी सिक्स फिफ्टीन बाई ट्वेंटी सिक्स ठीक बहुत सिंपल है फिर जो लीस्ट हो वही एक्समटेड अमाउंट है और अभी हम करेंगे नुमारकल जिससे और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ठीक है चलिए एक करते हैं क्वेश्चन आफ्टर सर्विंग फॉर थर्टी थ्री इयर नाइन मंथ इन एक्स लिमिटेड मिस्टर मोहन हु इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुअटी एक्ट रिटायर फ्रॉम सर्विस ऑन थर्टी नवंबर टू

थर्टी थाउजेंड प्लस नाइन थाउजेंड डी एच आर ए था फोर्टी फाइव हंड्रेड ठीक तो आपको बताना है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ ग्रेचुअटी एग्जेपेड तो आपको बताना है कि इनको जो ग्रेचुअटी एक्चुअली में रिसीव हुई इसमें कितनी एग्जेप्टेड है कितनी है या फुल्ली फुली है आपको वो सब बताना है ठीक है तो चलिए क्वेश्चन करना शुरू करें सॉल्यूशन इसका क्वेश्चन करना शुरू करते हैं सबसे पहले तो एक्स लिमिटेड कंपनी है कुछ नाम नहीं दिया यानी ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी है सबसे पहले ठीक है यानी ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में देखिए दो केस था ना कवर हो रहे हैं कि नहीं कवर हो रहे हैं तो ये कवर हो रहे हैं कवर हो रहे हैं यानी एक बार स्क्रीन मैं क्लियर करती हूं यानी कवर हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कंडीशन यहाँ पे लगेगी क्योंकि ये कवर हो रहे हैं अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट यानी ये तीन कंडीशन देखनी है ठीक यहां तक समझ में आ गया अब इसके बाद चलिए करना शुरू करते हैं सबसे पहले ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लिखती हूँ मैं कम्प्लीटेड तो ज़रा देख के बताइए क्वेश्चन कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितने कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है इनकी थर्टी थ्री ईयर नाइन मंथ और मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर छः महीने से ऊपर है ठीक है तो उसे एक साल कंसीडर किया जाएगा तो यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितनी हो गई थर्टी फोर ईयर ठीक अब ये कवर हो रहे हैं पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में यानी हमें क्या निकालनी है फिफ्टीन डे सैलरी हमें फिफ्टीन डे की सैलरी निकालनी है ठीक है तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सैलरी क्या है ठीक सैलरी क्या बताया था सैलरी बताया था बेसिक पे प्लस डीए अब क्वेश्चन देख के बताइए बेसिक पे कितनी है तीस हजार ठीक है नौ हजार? यानी सैलरी कितने निकल के आई थर्टी नाइन थाउजेंड ठीक अब आपको निकालना होगा फिफ्टीन डे सैलरी फिफ्टीन डे सैलरी चाहिए ना तीन कंडीशन देखनी है थ्री कंडीशंस देखनी है जिसमें लीस्ट अमाउंट क्या होगा एग्जेम्टेड ठीक है थ्री कंडीशन देखनी है उसमें लीस्ट अमाउंट एक्जैम्ट होगा तो अभी हम आते हैं पर पहला क्या है पहला फिफ्टीन डे की सैलरी है ना तो वही पहले निकालते हैं फिफ्टीन डे की सैलरी तो ये कैसे निकलेगी ये देखिए थर्टी नाइन थाउजेंड एक महीने की सैलरी और फिफ्टीन डे की यानी फिफ्टीन डिवाइड बाई ट्वेंटी सिक्स खास बात है ट्वेंटी सिक्स से करेंगे थर्टी से नहीं करेंगे क्वेश्चन में दी. मतलब आपको कंडीशन में बताया गया इसमें चार संडे वो माइनस कर दिए गए तो अब आपके पास होगा कैलकुलेटर बेसिक कैलकुलेटर अलाउ होता है काटिए इसको एंड यू विल गेट आपका आ जाएगा मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके मैंने रखा हुआ है तो आ जाएगा आपका बाईस हजार पांच सौ ठीक है ये आ गई पंद्रह महीने की सैलरी ठीक तो पंद्रह महीने की सैलरी आ गई अगर ये पंद्रह दिन की पंद्रह महीने बोल रही सॉरी पंद्रह दिन की सैलरी आ गई ठीक है तो थर्टी फोर ईयर की अगर हम बात करें इन्होंने कितने साल काम किया थर्टी फोर ईयर काम किया है ना ठीक है अच्छा एक चीज ये मैं बताऊं देखिए यहाँ पे क्या लिखा है पंद्रह दिन की सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सैलरी एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ठीक है यानी पंद्रह दिन की सैलरी हर कंप्लीटेड साल के लिए सर्विस जितने ईयर की उन्होंने सर्विस दी है तो ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहली कंडीशन है वो क्या है पंद्रह दिन की सैलरी तो पंद्रह दिन की सैलरी तो हमने निकाल लिया बाईस हजार पांच सौ इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस तो कितने कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस हैं थर्टी फोर ईयर है ठीक है थर्टी फोर ईयर है और अब यूज करिए कैलकुलेटर तो बाईस हजार पांच सौ को थर्टी फोर से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट सेवन लाख सिक्सटी फाइव थाउजेंड ठीक है तो ये आ गया आपका पहला अमाउंट जो तीन कंडीशन निकाली है ना पहला तो ये पंद्रह दिन की सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस तो तोलरी आ गई बाईस हजार पांच सौ कंप्लीटेड ईयर थर्टी थर्टी फोर ईयर सॉरी थर्टी फोर थाउजेंड थर्टी फोर ईयर मल्टीप्लाई किया ये ठीक सेवन लैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड ये आ गया पहला अमाउंट दूसरा अमाउंट क्या है एप्सुलूट ट्वेंटी लाख एप्सोलूट ट्वेंटी लाख ये अमाउंट मैक्सिमम लिमिट है एग्जीशन की ट्वेंटी लाख ठीक है तीसरा क्या है एक्चुअली ग्रेचुटी अमाउंट रिसीव ठीक है यानी एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुअटी रिसीव तो कितना ग्रेचुटी ,00 रिसीव हुआ है एक्चुअल में नाइन लाख रिसीव हुआ है ग्रेचुअटी कितना रिसीव हुआ है इसे अपने एम्प्लॉयर से नाइन लाख मिस्टर मोहन को नाइन लाख रिसीव हुआ है ठीक है तो ये आ गया पहला अमाउंट ये आ गया दूसरा अमाउंट ये आ गया तीसरा अमाउंट अब जरा बताइए इन तीनों में लीस्ट कौन सा है तो लीस्ट है सेवन लाख सिक्सटी फाइव थाउजेंड तो आ गया लीस्ट अमाउंट ठीक है बट ये जो लीस्ट अमाउंट है ये क्या आया है लीस्ट अमाउंट जो आया है ये क्या है दिस इज एग्जेपन ये आया है कि इतना मिलेगा एग्जेपन जो मिस्टर मोहन है उन्हें नाइन लाख ,00 की ग्रेचुअटी मिली है अपने एम्प्लॉयर से ठीक है जिसमें ये देखिए ये है ग्रेचुअटी का अमाउंट जिसमें एग्जेपन कितना मिलेगा एग्जेपन मिलेगा सेवन लाख सिक्सटी फाइव थाउजेंड का क्या है एग्जेपन तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसमें से जरा इसको माइनस करिए ये हमने माइनस किया ये आ गया थर्टी फाइव और इधर आ गया वन तो यानी वन लाख थर्टी फाइव थाउजेंड क्या है वन लाख थर्टी फाइव थाउजेंड क्या है दिस इज टैक्सेबल इनकम ये जो इनकम है ना इसको इंक्लूड किया जाएगा सैलरी में एंड दिस इज टैक्सेबल ये टैक्सेबल है वन लाख थर्टी फाइव थाउजेंड ये बात समझ में आई आपने सबसे पहले वो तीन कंडीशन जो थी वो उससे चेक किया ठीक है ये तीन अमाउंट आ गए ठीक अब उसमें से लीस्ट क्या है ये है लीस्ट ये आया इसका मतलब क्या है दिस इज द एग्जेम्प्टेड अमाउंट यानी जो ग्रेचुअटी नौ लाख की जो ग्रेचुअटी मिली है इसमें से सात लाख पैंसठ हजार जो है ये एक्जटेड अमाउंट है यानी उस वो छूट है उस उसपे नहीं देना है टैक्स यानी टैक्स कितने पे देना है एक लाख पैंतीस हजार पर टैक्स देना है ठीक है तो इस तरीके से किया जाता है क्वेश्चन आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो चलिए दिस वाज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो अब हम अगले लेक्चर में कुछ नया टॉपिक उठाएंगे पेंशन पढ़ेंगे मे बी या प्रोविडेंट फंड पढ़ेंगे ठीक है तो अब चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिएगा गॉड ब्लेस यू